بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه حضراتِ گرامی قدر، بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیو، انتہائی واجب الاحترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ہوا پر نہ دی واسطے تیز کرنا، تھوڑی ہوا پر کر صاحب، ہوا پر پتہ ہے نا، پتر رہن دے چھیڑ نہ دیں، بگو سار آواز ہلکا ہوا پر، بس رجب دے اس مہینے دی مناسبت نال میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان و عظمت اور رفعت دے حوالے نال انشاءاللہ چند گزارشات عرض کروں گا. سب تو پہلے یہ بات ذہن چ رکھیے کہ صحابی کنوں کیا جاندا ہے. صحابی دی تعریف اے ہے کہ جس نے ایمان دی حالت سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات کیتی ہوئے. اگر دیکھنا شرط ہوئے تو عبداللہ ابن مکتوم جیسے صحابی تے نبی نے سن، تو لہذا تعریف اس طرح کیتی جائے گی جس ویکھے اور ملاقات کیتی ہوئے اور ایمان دی حالت او فوت ہوئے ہون، ان کی کہندے نے صحابی. تو صحابی رسول دا ایسا تمغہ ہے کہ جیڑا محنت کر کے حاصل نہیں ہوندا، اللہ تعالیٰ جس تے اپنی رحمت فرمائے اور جنہاں نو پیغمبر علیہ السلام دے واسطے اللہ آپ چنے اوہی صحابی بندا ہے. یہ محنت کر کے تمغہ حاصل نہیں ہوندا. تو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نے اور جلیل القدر صحابی نے، کاتب وحی نے، یعنی نبوت تو بعد کائنات دے اندر صحابیت دا منصب سب تو افضل منصب ہے.
बात समझ आ रही है ना माशाल्लाह। मगर इस कदर बदनसीबी और बदबख्ती दा हिसाब तुसी लगाओ कि इस महीने अंदर इस अजीम सहाबी के ऊपर जितनी लान तान होंगी बस अल्लाह की पनाह है। झूठिया मनगढ़ रवायात का सहारा लेके तारीखी रवायात का सहारा लेके झूठिया और मनगढ़ रवायात को सामने रख के सैयदना हजरत अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला ते तान किया जाता है। यकीन जानो कि कायनात अल्लाह ताला ने किसी को अख्तियार नहीं दिता कि कोई शख्स उठे और सहाबी रसूल के उपर तान शुरू कर दे और ये अपने ईमान का हिस्सा बनाओ। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला तो लैके आखिरी सहाबी जो आप तो बाद पूरी सदी बाद फोत हुए सारे सहाबा साढ़े ईमान का हिस्सा ने। सारे सहाबा साढ़े ईमान का जुज और बल्कि ऐन ईमान ने। तो लिहाजा सहाबा इकराम दे नाल मुहब्बत अकीदत साढ़े ईमान का जो हिस्सा ने ईमान ने तो कोई शख्स किसी सहाबी रसूल के बारे कोई ऐसी जबान चो ऐसा जबान चो लफ्ज ना निकाले जिद नाल किसी सहाबी की तनकीद साबित होंगी है। तो लिहाजा जिस वक्त बंदा कुरान पाक नूं पढ़दा है एक नहीं अल्लाह ताला ने सैकड़ों आयात पैगंबर अलैहि सलाम दे सहाबा दे बारे आसमान तो नादल फरमाइया ने और अहदीस मुस्तफा दा जिस वक्त बंदा मुताला करदा और पढ़दा है यकीन जानिए कि हर मुहद्दिस ने अपनी किताब अंदर सहाबा इकराम की फजीलत च बाब बने। तो लिहाजा इस बात वल तवज्जो फरमाइए इस महीने अंदर इस सहाबी रसूल की वफात फिर ओदी खुशी हदायत की दुआ ही हो सकती है इन्होंने लोगों के बारे। और मैं एक होर बात तुहाडे सामने रखनी चाहना ये है साडा जिहड़ा नौजवान तबका है ना ये जेलम का एक मिर्जा है मुहम्मद अली उन्हें बड़ी मुहब्बत नाल सुनदा है। उस मिर्जा जिहड़ा जेलमी है ना ओदियां तकरीरां ओदे लैक्चर साढ़े ए नौजवान मुंडे बहुत सुनदे ने। मेरी की इस्तेदा है एक तरला ला लो मिंत ला लो उस बंदे नूं ना सुनिया करो। उस शख्स नूं ना सुनिया करो उहदे दिल विच सहाबा इकराम दा बुगद है उहदे दिल विच अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला दा बुगद कुट कुट के भरिया होया है और दीगर सहाबा इकराम दा भी। एक गुमराह इंसान है मैं बहुत बड़ी बात की थी गुमराह इंसान है उन्होंने ना सुनिया करो ये साहिब इलम जड़ा आलिम है उन्हें पता है कि यह बंदा गल किस तरह कर रहा है और कितों कर रहा है क्या यह जड़ी बात कर रहा है उसका पूरा हिस्सा ही उन्हें बयान किया या अद्धा छड़ गया अद्धा बयान कर दिता है तुहानू नहीं पता। इस साहिब इलम नूं पता है कि यह बात कितों कर रहा है। तो लिहाजा यकीन जानिए कि जिस वक्त बंदा इन्हां बदबख्ता की गुफ्तगु सुनदा है ना दिल खून दे अंसू रोंदा है कि सहाबा इकराम कायनात दे विच सब तो अजीम लोग जिन्हां दी शान च अल्लाह ताला ने कुरान दियां बेशुमार आयात का नजूल फरमाया
उन्हें सहाबाई कराम दियां कमियां बयान करनियां ए बात ते जरा गौर करना जी मैं हूं लगा कर। मासूम अनिल खता जात है तो अंबिया दी जात है, अंबिया को गुनाह नहीं हो सकता। मासूम अनिल खता जात सिर्फ अंबिया दी है और अंबिया अलैहिम सलाम तो बाद कायनात में हर शख्स के कोलो गुनाह हो सकता है। असी मानने कि यार सहाबा इकराम मासूम नहीं, उन्होंने कोलो गलतियां हुई ने, मामले बने ने, होए ने, आदि संदर मौजूद ने, मगर अल्लाह तबारक वताला ने उन्होंने बारे आसमान तो एक सनत जारी फरमा दी है कि मैं सहाबा इकराम के सारे बोलो गुना, सारे मिलके बोलो सारे गुना माफ कर दिते। जो अल्लाह ताला ने इन्हां दे गुनाह माफ कर दिते ने, इन्हां दे जन्नत अल्लाह ने अलॉट कर दिती, अल्लाह ने जन्नत वाजब फरमा दिती है, तो लिहाजा कायनात अंदर किसी शख्स नो ये इजाजत नहीं है कि फलां साहबी ने इंज किया, फलां ने इंज किया, फलां ने इंज किया। अल्लाह के बंदो सहाबा इकराम दियां कमियां बयान ना करया करो, सहाबा इकराम की इज्जत और शान बयान करया करो। तो आइए जरा अल्लाह ताला ने ना कुरान पाक अंदर कई मुकामात और ये भी बात एक आम है कि नाउज बिल्ला मिन जालिक ये बात कही जाती है कि जी अमीरे मुआविया के बारे में कोई हदीस सही साबित ही नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही हो सकता है, यानी अमीरे मुआविया के बारे कोई सही हदीस है ही नहीं, नाउज बिल्ला। हालांकि बहुत बड़ा झूठ है और किसब बयानी है। मैं इंशाल्लाह आगे जाके ना चंद अहादीस, क्योंकि जुमे का वक्त मुक्सर होंदा है, तो मैं इस वक्त के अंदर मैं चंद रवायात तुहाडे सामने इंशाल्लाह सही बयान करांगा। चलो बिलफर्द इन्हां दी गल मन ली जाए कि मीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दी शान कोई सही हदीस साबित नहीं, और बदबख्तो कम से कम ये तो तुसी मानते हो ना कि अमीरे मुआविया सहाबी ने, बोलो अमीरे मुआविया, सारे मिलके बोलो अमीरे मुआविया सहाबी ने, ये तो मानते हो ना कि अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला सहाबी ने। बल्कि फैसलाबाद का वह बाबा मर गया है, अल्लाह की मेहरबानी नाल उहदा फिर किसी ने जनाजा नहीं सी पढ़िया, किसी मुस्तनद आलिम ने उस पिंड के किसी मौलवी ने जनाजा पढ़ा छड़िया। बहुत बड़ा मुफ्ती और फतावा ऑनलाइन ते बैठन वाला, चलो नाम ही दस देना, मैनू कि डर है, मौलाना इसहाक साहब झाल वाले, नैट ते उहदियां तकरीरां मौजूद ने। यह मैं निशानदेही तां कर रहा कि इन्हां दियां तकरीरां ना सुनिया करो, आम ही बंदा जिहड़ा परेशान हो जाता है और उहदा अकीदा गलत हो सकता है। यकीन जानो वह बजुर्ग यह बात कहिंदा हुंदा सी कि अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अनहो, चलो तुसी कहंदे हो सहाबी है, ते सहाबी होना केड़ा कोई मेरा मतलब बड़ी इज्जत वाली बात है, ये उहदे अल्फाज के सहाबी होना केड़ा कोई बहुत बड़ा तमगा है। उहनूं यह नहीं पता कि नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि जिसने मेरे ईमान की हालत मेरी जियारत कर ली, अल्लाह ताला ने जहन्नम की अग नूं उत्ते हराम कर दिता है। तुसी कहंदे हो सहाबी होना कोई मनसब ही नहीं, सहाबी होना कोई शान ही नहीं, सहाबी का कोई मुकाम ही नहीं, तो लिहाजा जे अमीरे मुआविया के बारे यही थोड़ी एक मिनट वास्ते गल मन ली जाए, हालांकि मैं मानता नहीं कि जिहड़ी ये लोग गल करते हैं कि अमीरे मुआविया की शान कोई हदीस साबित नहीं, तो यह तो मानते हो ना कि अमीरे मुआविया सहाबी ने, तो सहाबी रसूल के उत्ते अल्लाह ने जहन्नम की अग हराम कर दिती। तो आइए जरा सुनिए अल्लाह पाक ने सूरह अल फतह इस बात का जिक्र फरमाया है, फरमाया कि लगद रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिउनक तहत शजरा फअलिम मा फी कुलूबिहिम फअंज़ल सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फतहन करीबा। अल्लाह
पाक फरमांदे अलबत्ता तकीक अल्लाह राजी हो गया है। लकद रजी अल्लाह अनिल मोमिनीन, अल्लाह इन्ना मोमना तो राजी हो गया। अल्लाह जी किन्ना मोमना तो फरमाया इज़ युबायउनका, जिन्ना तुहाडे हत्थे बैत कीती है। अल्लाह जी बैतां भी कई जगह ते होईयां ने, किस बैत करन वालियां तो राजी होए हो। अल्लाह फरमांदे तहत शजरा, जिन्ना दरख्त दे नीचे तुहाडे हथ पाक उत्ते हथ रख के बैत कीती है। अल्लाह जी बैत हो गई है। कोई बंदा ये भी कह सकता है इन्ना जनाब उत्तों तो बैत कीती है, दिलों बैत नहीं कीती। अल्लाह पाक अली मुंबेदात सुदूर, अल्लाह पाक ने सारे मुगालते बयान फरमा दिते ने। फरमाया फाली माफी कोलो बिहिम, इन्ना दे दिल मैं जानना तुसी नहीं जानते, इन्ना दे दिल मैं जानना तुसी नहीं जानते। या इस तरह समझो, अल्लाह पाक फरमाते फाली माफी कोलो बिहिम, सिद्दीक दा दिल मैं जानता वा, उमर दा दिल मैं जानता वा, उस्मानो अली दा दिल मैं जानता वा, तलहा जुबैर दा दिल मैं जानता वा, साह सईद दा दिल मैं जानता वा, महबूब जी मैं तुहाडे डेढ़ लाख सहाबा दे दिल जानता वा। फाली माफी कोलो बिहिम, अल्लाह पाक नूं पता सी ऐसे बदबख्तां दुनिया अंदर आना है, जिन्हां सहाबा इकराम दे ईमान अंदर शक करना है। वाह कुरबान अल्लाह मैं तुहाडी इज्जत अजमत तो अल्लाह पाक ने सारे मुगालते दूर फरमा दिते ने। फरमाया फाली माफी कोलो बिहिम, महबूब जी ना दे दिल मैं जानता तुसी नहीं जानते। फअंजल सकीनत अलैहिम, फिर अल्लाह पाक ने इन्हां दे सुकूनत भी नादल फरमाई है। वासाबहुम फतहन करीमा, लिहाजा अगर कोई बंद है जो ये आयत करीमा जनाब पढ़ी जाती है, इतराज़ करने वाला इतराज़ करता है, मौलाना इहदे तो मुराद सारे सहाबा तो रब राजी नहीं, इहदे तो मुराद ते ओ सहाबा ने जिन्हां ने दरख्त के नीचे बैत की है। चलो मान लिया, तो अल्लाह पाक ने एक और मुकाम पर बयान फरमाया है। अल्लाह पाक फरमाते वस्साबिकून अल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की बयान फरमाया है। अल्लाह फरमांदे ने इस्लाम अंदर पहल करन वाले والسابقون الاولون, जेड़े इस्लाम अंदर पहल करने वाले, फरमाया मुहाजरीन सहाबा तो राजी हो गया, मुहाजर सहाबा ने इन्हां तो भी राजी हैं, अंसार तो भी राजी हैं। और रब करीम ने कुराने पाक अंदर बयान फरमाया वल्लज़ीन तबउहुम बेहसान, फरमाया क़यामत तक जितने लोग आंदे रहेंगे सहाबाई कराम नाल मुहब्बत करते रहेंगे, सब तो रब राजी है। बोलो सब तो रब, सब तो रब राजी हो गया है। लिहाजा अंसार तो भी रब राजी, मुहाजर तो भी रब राजी है। अंसार मुहाजरीन जड़े ने इन्ना तो रब राजी है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जड़ा कयामत तक इन्हों की पैर भी करेगा, मुहब्बत करेगा, अल्लाह पाक उन्हों तो भी राजी हो गया है। आइए जरा तवज्जो करना, जो मैं पैगाम देना चाहना वा। आओ सैयदना अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, यार सहाबी ने मुतलक तौर पर मैं दलैल बयान कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने सूरह अल हदीद की 10 नंबर आयत अंदर की बयान फरमाया है। फरमाया इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमा दे ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन कबल फतह। सूरह अल हदीद पढ़िए 10 नंबर आयत। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक दी इस आयत अंदर अल्लाह ने ना कुछ दर्जे बयान फरमाए ने। बोलो कुछ दर्जे बयान फरमाए ने। अल्लाह पाक ने फरमाया जिन्हें फतह तो पहले अल्लाह दे रस्ते अंदर माल खर्च कीता है, या फतह तो बाद माल खर्च कीता है, या जेड़ा इस फतह तो पहले शहीद होया, या जेड़ा फतह तो बाद शहीद होया है,
इन्हां दे दर्जे अंदर फर्क ते है, दर्जे अंदर फर्क ते है। लिहाजा जिवें अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर एक मुकाम ते अंबिया अलैहिस्सलाम दे बारे बयान फरमाया है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि बाद अंबिया नू बाद उत्ते मैं फजीलत दिती, बाद अंबिया नू बाद उत्ते। ए गल नू समझो जरा, जे फर्क कर दो मुरातब अंदर दर्जे अंदर, तो अंबिया के अंदर भी फर्क है। ये बात मैं कई दफा कर चुके हैं कि नबूवत के एतबार नाल, नबूवत के लिहाज नाल सारे अंबिया बराबर ने। पेन हिला दो जरा थोड़ी, यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुरातब अंदर भी फर्क है। नबूवत एतबार दे नाल सारे अंबिया बराबर ने, मगर मुकाम दे लिहाज नाल अल्लाह ने जो शान और मुकाम इमामे कायनात हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू रब दित्ती है, बोलो किसे नबी नू अल्लाह ने? फिर सुनो कि नबूवत दे एतबार नाल सारे अंबिया जड़े बराबर ने। इनू दो नंबर चला पुत्र, पेन कढ़ के ना दो नंबर सुराख चला, दो नंबर लुपी चला, हाँ इधरली चला दो नंबर। जज़ाक अल्लाह। यानी जिवें अंबिया अलैहिस्सलाम दे मरातब अंदर फर्क है, इसे तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम दे मरातब भी बयान फरमाए ने। अल्लाह पाक फरमाते ने जेड़ा फतह तो पहले माल खर्च करने वाला है, बाद अंदर माल खर्च करने वाला है, फतह तो पहले शहीद होने वाला है, फतह तो बाद शहीद होने वाला है। अल्लाह पाक फरमाते व कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। पाक फरमा दे इन्हां दे दर्जे अंदर फर्क है, मगर वकुलन मैं हर एक दे नाल, मैं हर एक दे नाल। अल्लाह तबारक व तआला ने किसे नू खास नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह फरमा दे वकुलन अदल्लाहुल हुसना, मैं सारे सहाबा इकराम नाल हुसना दा वादा कर लिया है, लोगो सिद्दीक तो लैके आखिरी सहाबी तलक। अल्लाह फरमा दे ने मैं हर एक नाल हुसने दा वादा कर लिया है, वादल हुसना मैं हुसना दा वादा कर लिया है। लिहाजा हुसना तो मुराद की है इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने हुसना तो मुराद जन्नत है। बोलो हुसना तो मुराद, ठंड नहीं पई, हुसना तो मुराद। लियो लियादा मैं दुआ करन लगा दे, आमीन कह देना मेरे अल्लाह, सानू सारियां भी जन्नत नसीब फरमा देवी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि जेड़ा बंदा त्रै वारी कवे, बोलो किन्नी वारी? त्रै वारी कवे याला जन्नत दे दे, याला जन्नत दे दे, याला जन्नत दे दे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि जन्नत अल्लाह नू आप कहिंदी है याला, ए जन्नत का सवाल करन डे है याला, इनू जन्नत दे ही दे। जन्नत आप कहती अल्लाह नू, ते तीन बारी जड़ा बंदा यह गल कवे ना, तीन बारी या अल्लाह जहन्नम तो बचा लै, जहन्नम तो बचा लै, या अल्लाह जहन्नम तो बचा लै। नबी अलैहि सलाम फरमाते ने जहन्नम आप अल्लाह नू सिफारिश कर दी है, या अल्लाह किवें रो रो कि तेरे को दुआवा करन डिया, या अल्लाह इनू जहन्नम तो ही बचा लै। लिहाजा यह गल सेहन च रखनी है, अज तो बाद त्रै वारी जन्नत का सवाल, ते बोलो तीन वारी जहन्नम तो बचन दा करोगे इंशाअल्लाह। लिहाजा अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर सूरे अल हदीद दे अंदर अल्लाह पाक ने सारे सहाबा इकराम दे बारे जन्नत का वादा फरमा लिया है। आओ लोगों में जो दलायल बयान कर रहे हैं मुतलक तौर पर उन लोगों के वास्ते वे, जिहड़ा बंदा कहिंदा कि मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दी शान अंदर कोई सही हदीस साबित नहीं, लिहाजा हजरत मेरे मुआविया नूं सहाबी ते मनदे ने। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे सहाबा के बारे बयान फरमा
दिता है कि मैं इन्हों वास्ते जन्नत का वादा कर लिया है। आइए तरह हदीसे पाक से तवज्जो फरमाना है। इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर करे आजे नबी अलैहि सलाम फरमाते ने, जेड़ा मेरे वली दे नाल बुगद रखे, जेड़ा मेरे वली ना बुगद रखे, मैं उहदे नाल लाने जंग कर लिया, ते जेदे नाल अल्लाह जंग करे बोलो कदी भी बच नहीं सकदा। हुण जदों ये हदीसे कुदसी बयान कीती, अल्लाह ताला फरमाते ने जेड़ा मेरे वली दे नाल बुगद रखदा है, साढ़े बारे एक गल मशहूर कर दी गई है, ये वलिया नू नहीं मंद। और वलिया नू मंदे हो, मंदे हो ना, असी अल्लाह दे वलिया नू मानने आ, शैतान दे वलिया नू बोलो मंदे। अल्लाह जानदे हाल भला की बन गया, इनिया इनिया लटा हरे किदों दे नाते ने गंद दे नाल लिपड़े हुए यार, उन्होंने कदी रब दा वली कह लग्या तुसी सोचिया करो, नहीं मौलवी जी तुहानू नहीं पता ये बड़े पहुंचे हुए ने। बोलो, और मैं यकीन मेरे वाल वेखो जरा, मैंने एक बंदे नू कही गल, मैं कह यार इन्हां नू तुसी वली मानते हो, ओ वे भंग घोटन डे बह के पहले कहन लगा जी उन्होंने बड़िया मेहनत कीतिया ने, उन्होंने तुहानू नहीं पता वो तुसी गुस्ताख जे, तुहानू नहीं पता उन्होंने बड़िया मेहनत कीतिया ने। मैं क्या आओ वे घोटन डे भंग बह के आंदा यही तो मेहनत है, इन्ना लीला आई तो मेहनत है, वो जे इनू मेहनत कहते हो तुहाडे वास्ते हदायत की दुआई हो सकती है। बोलो मेहनत इन्हों मेहनत नहीं कहते, तवज्जो करे आ जाओ, जो मैं पैगाम देना वली नू अल्लाह जानता वेखिए तो रब याद आ जाता है। पुत्र इन रौला च की इन फूक मार हाँ जरा किसी वली को, किसी वली को फूक मरा इन जरा। अल्लाह स्पीकर नू ना सेहत वाली जिंदगी दे दे, कह दे तवज्जो। आइए जो मैं पैगाम देना चाहना, गौर करिए तवज्जो फरमाइए। जो नबी अलैहि सलाम फरमाते ने, अल्लाह पाक ने हदीस कुदसी बयान फरमाई है, वह जो वली आख्या जड़ा मेरे वली ना बुगद रखता है, गौर करिया जे उस वेले वली तो कौन ने, वली नबी अलैहि सलाम दे सहाबा इकराम ने, ते जे उदों वह वली नहीं तो फिर कायनात अंदर वली कोई नहीं हो सकता। लोगो सहाबा इकराम जेड़े अल्लाह के बहुत बड़े वली ने, आओ द एक और हदीसे तवज्जो दे नाल सुनिया जे। हदीस सहीह बुखारी अंदर 3650 नंबर रवायत है, इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, फरमाया के हम इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अनु इस हदीस दे रावी ने, हजरत इमरान बिन हुसैन फरमाते ने, आप अलैहि सलाम ने फरमाया खैरु उम्मती करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। नबी अलैहि सलाम फरमाते ने सब तो मेरे बेहतर जमाने दे लोग ने, सब तो मेरे जमाने दे लोग बेहतर ने, ते नबी अलैहि सलाम दे जमाने दे लोग बोलो कौन सन, ते जे सहाबा इकराम अफजल नहीं ते खुदा दी कसमे कायनात विच अफजल हो ही कोई नहीं सकता। ये बड़ी वड्डी मैं गल कीती, आप फरमा दे खैर उम्मती करनी मेरी उम्मत दे सब तो बेहतरीन लोग, मेरी उम्मत दे सब तो बेहतरीन लोग कौन ने, सहाबा इकराम, ते फिर ओना तो बाद वाले यानी ताबीन, ओना तो बाद वाले तबा ताबीन। तबा ताबीन का ताल्लुक भी सहाबा इकराम नाल है, ताबीन का ताल्लुक भी सहाबा इकराम नाल। तिन्ना बातें तवज्जो दे नाल सुनिए, हुण इस हदीसे बुखारी तो पता चल गया है लोग उम्मत दे बेहतरीन लोग सहाबा इकराम ने। हजरत मीरे मुआविया नू कड्डो हजरा, मैं वेखा किवें कड्डोगे, आइए तवज्जो करना। एक और हदीसे पाक मुसन्नफ इब्नु अबी शैबा अंदर मौजूद है, हम मुसन्नफ इब्नु अबी शैबा इतने बड़े मुहद्दिस सन के इब्न अबी शैबा रहिमहुल्लाह इमामे बुखारी इमामे मुस्लिम दे उस्ताद सन।
हजरत इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दे जनाब उस्ताद ने आइए इन्ना दी किताब मुसन्नफ इब्नो अबी शैबा अंदर 32410 नंबर रवायत है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने खैरुन नास करनी तुम अल्लज़ीना यलूनहुम तुम अल्लज़ीना यलूनहुम। लोगो सारे सहाबा इकराम दी बात नबी अलैहि सलाम ने की है, जाइए सारी कुतबे अहदीस नु उठा के देखिए। नबी अलैहि सलाम ने मीरे मुआविया नु किसे हदीस चो बाहर नहीं कढ़िया, किसे बात चो बाहर नहीं निकालिया। हजरत मीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नु भी इन्ना अंदर शामिल नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने खैरु उम्मती। आप फरमांदे ने पहली हदीस अंदर आप फरमांदे ने खैरु उम्मती, दूसरी रिवायत अंदर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया खैरुन्नास, फरमाया के लोगों के विचों बेहतर जड़े लोग ने मेरे जमाने के लोग ने, फिर उन्होंने तो बाद वाले, फिर उन्होंने तो बाद वाले ने। लिहाजा ये जड़े दलायल मैं अर्ज कर रहा वा अल्लाह दे बंदो अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नु हदीसा अंदर शामिल ने, इन्हां हदीस अंदर मौजूद ने। जे तुसी कोई भी हदीस मनन वास्ते तैयार नहीं, कम से कम यार ये सोचो अमीरे मुआविया नबी अलैहि सलाम दे सहाबी ने। आओ मैं तुहाडी एक होर जनाब एक वाकया सुना दें। हजरत मीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तारीख इस्लाम अंदर इमाम ज़हबी रहिमहुल्लाह वाकया लेके आए। हजरत मीरे मुआविया कहो रज़ी अल्लाह तआला, यकीन जानिए कि इन्हां दा खौफ खुदा पता किन्ना सी। ओ यार मैं ए हदीसा किथे लैके जावा, तुसी उम्मत नूं क्यों नहीं सुनांदे? कह देते हो जी मेरे मुआविया के बारे में कोई सही हदीस साबित नहीं है। इंशाल्लाह जब तक असी जिंदा वा इन्हां दीआं चोरियां बयान करते रहांगे इंशाल्लाह। मैं तुहानूं एक गल करना अल्लाह दे बंदे, मुस्तरद उलमा दीआं तकरीरां सुनिया करो, हर ऐरे गैरे की बात ना सुनिया करो, किसी मुस्तनद आलमे दीन दी बात नूं अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। मैं ना देर की गल, मैं ना पढ़ता सा अजे पहला साल सी मेरा, मैं ना शहर चला गया घंटा घर किताब लैण वास्ते, घंटा घर गया मैं उत्थे बुक डिपो सी किताब लैण वास्ते गया। उत्थे ना एक किताब जिहड़ा सी ना किताबां वाला जिहदी दुकान सी अशरफ सलीम उहदा नाम सी, ते माशाल्लाह उहदी इत्थे तक दाढ़ी सी। तमीरे मुआविया दे बारे अस्तगफिरुल्लाह इन्ना दिल काला, तुहानूं मैं की दसां। मैं ना वो दो चार बंदे लागे खड़े सी उहनां नाल वो गल्लां कर रहे सी। मैं क्या जी बजुर्गो फलानी किताब दिओ, मैं भी किताब लैके ना मैं वेखा सी गल्लां किहड़ियां करदा है। हजरत अमीरे मुआविया दे बारे बड़ी बकवासात हो रही है। मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या अमीरे मुआविया का पेशाब भी तेरे नालों पा की? खुदा की कसम है साढ़े दिल में सहाबा की मुहब्बत, सहाबा इकराम। मैं क्या मेरी सुन पा दे, मेरी सुन ले गल, अमीरे मुआविया का पेशाब भी तेरे तो पाक है बेईमान इंसान, तो होता कौन है जो अमीरे मुआविया को गालिए दे, अमीरे मुआविया को बुरा कहे। हमारा सका बाप भी अगर कहे, हम उसकी बात को भी रोके टोकेंगे। हम सहाबा की इंशाल्लाह शान को बयान करते रहेंगे इंशाल्लाह। जो मैं ये गल कही मेरे खते पे आ गया। मैं क्या हूं की हुई? खुदा की कसम कि मुस्तनद उलमा दीआं तकरीरां नूं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। सानू अल्लाह की कसम मौलवियां लाता शेर आले पासे, जे जुमा ते तां शेर, जे जलसे ने ते तां शेर, शेरां वाले पासे सानू वाम नूं ला दिता है ना उलमा ने। अल्लाह इन्हां मौलवियां नूं भी हदायत नसीब फरमा। मैनू याद आए मुनादरे इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हां दी कबर ते बेशुमार रहमत फरमा। आंदे हुंदे सी मैं शेर सुना के तुहाडा वक्त जाया नहीं करना चाहुंदा, मेरे को रब दा कुरान है, मेरे को सोहणे नबी दी हदीस। आइए इस बात वाल गौर करो, कौन है सैयदना अमीरे मुआविया? यार इन रौला की है यार, अजे मैनू मसला की है, इन्हू की मसला बनाया गया?
पुत्र अल्लाह हदायत दे। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाहना सैयदना मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला नो। आइए जरा गौर करना, दमिश्क की मस्जिद अंदर जुमा पढ़ाने वास्ते आए ने, दमिश्क की मस्जिद अंदर आए ते मिंबर दे उते खड़े, तवज्जो करना है। ये वाकया बड़ा प्यारा जे, वाकया बड़ा महबूब है, वाकया बड़ा ईमान नु ताज़ा कर देने वाला। जरा बात तवज्जो दे नाल सुनिए, हजरत मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला नो दमिश्क की मस्जिद अंदर आए, जुमा पढ़ाने वास्ते मिंबर दे उते खड़े ने। हजरत मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला नो जुमा पढ़ांदियां पढ़ांदियां आप दी ज़बान च ये जुमले जान के निकले, आपने जान के बयान फरमाए ने। हजरत मीरे मुआविया फरमाते ने, ये माल भी साडा, गनीमत का माल भी साडा है, लिहाजा असी जिन्हों दिल करिए दईए, जिन्हों दिल करे ना दईए। हजरत मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला नु इतनी बात कह गए, जुमा खत्म होया तो अपने घर अंदर चले गए। हजरत मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला दी बात किसी ने टोकी नहीं, हालांकि मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला नो आजमाना चाहते ने, वेखना चाहते ने कि आ कोई मेरी बात नो टोकदा है या रोकदा है, या कोई मेरी सलाह भी करदा है कि नहीं। हजरत मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला दी गल साथियों सुन ली है, लिहाजा किसी ने भी आप दी बात ते गौर नहीं किया, यानी किसी ने भी आप दी बात ते कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा जुमा आया है, हजरत मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला नो फिर मस्जिद अंदर तशरीफ ले आए, मिंबर ते खड़े हो के, मिंबर ते खड़े हो के आपने उही अल्फाज फिर दोहराए ने। आप फरमांदे ने, माल भी साडा है, गनीमत दा माल भी साडा है, असी जिन्हों चाहिए दईए ना दईए साडी मर्जी। हर जुमा खत्म होया ते मीरे मुआविया घर चले गए। हजरत मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला दी बात ते किसी ने एक्शन नहीं लिया। हजरत मीरे मुआविया आए तीसरा जुमा पढ़ाने वास्ते मस्जिद अंदर आए, मिंबर दे उते खड़े हो गए ते फिर ओही बात बयान फरमाई है जड़ी बात दो जुमे उन्हें कीती है। ये माल साडा, गनीमत दा माल भी साडा है, असी जिन्हों चाहिए दईए ना दईए साडी मर्जी है। हजरत मीरे मुआविया ने जदों ये बात कही है, हजरत मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला दी बात खत्म नहीं हुई, बारह एक साथी उठ के खड़ा हो गया, कहन लगा अमीरुल मोमिनीन है अमीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला नूं सुन लो, ये माल दे साडे दरमियान जिहड़ा भी हायल होएगा असी तलवारां दे नाल फैसले कर देंगे, साडियां तलवारां बाहर निकल आणगियां, लिहाजा इस माल दे तुहाडा हक कोई नहीं, साडा भी हक है। हजरत मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला ने जुमा खत्म किया, नीचे बैठ गए, आप फरमांदे ने उस बंदे नूं लियाओ मेरे कोल लियाओ। कहन लगे साथी, कहन लगे इस बंदे की खैर नहीं। हजरत मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला नूं डांटणगे, इन्हूं सजा देंगे। हजरत मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला ने बुलाया, आप फरमांदे ने उन्हूं मेरे को लैके आओ। उस बंदे नूं अमीरे मुआविया के सामने लिया के पेश कर दिता गया है। हजरत मीरे मुआविया ने बुरा नहीं आख्या, हजरत मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला ने कोई सजा नहीं दी, सरजनश नहीं फरमाई, बल्कि मुहब्बत प्यार कर रहे ने लोगो। हजरत मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला मुहब्बत का इजहार कर रहे ने। पूरे मजमे अंदर वो बंदा खड़ा हो गया मीरे मुआविया के खिलाफ, कि असी जनाब तलवारा निकाल लवेंगे, बिस्ती महसूस नहीं की, बल्कि प्यार मुहब्बत कर रहे ने। लोगों को कहते ने मीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला फिर लोगों को मुखातब होकर फरमाते ने, अज इस बंदे ने मेरिया अखा खोल दितियां ने, ऐ जे खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन अमीरे मुआविया। फरमान लगे, लोग इस बंदे ने मेरिया अखा खोल दितियां ने। कहन लगे, आओ मैं तुहाड़े सामने एक हदीसे मुबारक बयान करा। हजरत मीरे मुआविया फरमाते ने, सुनो इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मेरे तो बाद ऐसे हुक्मरान आणगे, जरा गौर करिया जे, सारे मेरे वाल वेखे आ जे। आप फरमांदे ने, मेरे तो बाद ऐसे हुक्मरान आणगे जेडे गलत बात बयान करनगे, उन्हां दी गलत बात नूं फिर एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप फरमांदे ने, ऐसे हुक्मरान जहन्नम दा बालण बन जाणगे। कहन लगे, गल मैं अपने आप ते अजमाई है,
क्या मैं उन्हां लोगों विचों ते नहीं जिहड़े जहन्नम च जाणगे। हज़रत मेरे माविया फरमांदे मैं जान के गल गलत कीती है, ये माल मेरा मैं जिन्हों चाहवां दिया ना दिया। कहण लगे जदों मैं अपने घर चला गया सां पूरा हफ्ता किसी ने मैनू आके पुछया नहीं, मैं डरदा रहा पूरा हफ्ता, या अल्लाह मैं किते उन्हां विचों ते नहीं हो गया, मेरी गलत बात नूं किसी ने गलत नहीं आके। दूसरा जुमा आया मैं जान के बाद गलत कीती है। कहण लगे वह भी जुमा गुजर गया पूरा हफ्ता किसी मेरी बात अक्षर नहीं लिया। कहण लगे दो हफ्ते मैनू पुछो मैं जिस तरह गुजारे ने, मैं डर डर के अल्लाह को दुआवां करता सी, रो रो दुआवां करता सी। अल्लाह क्या मैं उन हुक्मराना विचों ते नहीं जेड़े जहन्नम अंदर जाणगे, हालांकि गल मैं गलत कीती है, किसी एक्शन भी नहीं लिया। अज कहण लगे तीसरा जुमा आया ये गल मैं कई एक बंदा उठ के खड़ा हो गया है, और मैनू सुकून हो गया है, मेरी गल ते एक्शन ले आ गया है, और मैनू सुकून हो गया है, मैं उन्हां जहन्नमी हुक्मराना अंदर नहीं। ऐ जो खौफे खुदा यार इन्हां वाकियात नूं पढ़िया करो यार, समझिया करो। आइए सैयदना अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, बड़ी नबी अलैहि सलाम दी अता तो फरमा बरदारी करने वाले। आइए ज़रा तवज्जो करना, मिशकात अंदर रवायत है, मिशकातुल मसाबी अंदर रवायत होंदी है, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, ना गालियां दिया कर अमीरे मुआविया नू, ना बुरा किया कर अमीरे मुआविया नू, ना लान तान करिया कर अमीरे मुआविया नू, ज़ालिमा तेरी कबर इंशाल्लाह काली हो जाएगी। अमीरे मुआविया इंशाल्लाह जन्नत दे वाली वारस ने, अल्लाह पाक ने जन्नत दे दी अमीरे मुआविया नू। आइए जरा बात तवज्जो दे नाल सुनिया जे, इस तरह रूमिया दे नाल अमीरे मुआविया दा मुआहदा हो गया। कहन लगे सुलो दा मुआहदा हो गया, बाद रा गौर ना सुनिए, मिशकात दे अंदर ये बात मौजूद है। हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनिया फौजां बार्डर तो उतारिया नहीं, अपनिया फौजां बार्डर तो, जिहड़ा रूमिया दा बार्डर सी ना मेरे मुआविया ने उत्थे खड़ियां रखियां। दिल अंदर ये सी कि जदों मुआहदा खत्म होएगा असी उन्हां ते यक बार गिनल हमला कर देंगे, रूम फतेह कर लवेंगे, रूम फतेह कर लवेंगे। लिहाजा अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जदों मुआहदा खत्म होया वो अपने आरे लगे हुए सन, उन्हां दी तैयारियां हजे कोई नहीं सी रूमिया दियां, इन्हां दी तैयारी फुल इन्हां हमला कीता है, लिहाजा रूम फतेह कर लिया है। जदों लोग फतेह कर लिया रूम, हजरत अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नू जारे नाल फौज जा रही है, इमामे कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत उमर बिन ईसा रज़ी अल्लाह तआला नू बोले, फरमान लगे अमीरुल मोमिनीन जेड़ा मोमन हुंदा है ओ वादा खिलाफी नहीं करदा ते गद्दार नहीं हुंदा। कुर्बान जाइए अमीरे मुआविया फरमान लगे मैं केड़ी वादा खिलाफी कीती, मैं केड़ी गद्दारी कीती है। लिहाजा उमर रज़ी अल्लाह तआला दी गल करन दा मकसद ए वे, फरमान लगे ऐ मेरे मुआविया सुनो, मैं सुनया सी इमामे कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु फरमांदे जिस कौम दे नाल मुआहदा हो जाए उत्थे पिछे हट जाना चाहीदा है, लिहाजा तुसां मुआहदा करके फौजां फिर उत्थे ही रहन दित्तियां ने, लिहाजा तुसीं हमला कर दिता है। हजरत मेरे मुआविया वाह मेरे मुआविया, अल्लाह जिथे लेटे ने अल्लाह उन्हां दी कबर ते बे शुमार रहमता फरमा दे। यकीन जानो ए तात फरमा बरदारी करने वाले। हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने सुनिया, फरमान लगे उमर बिन ईसा वाकई हजूर पाक दा फरमान है। फरमान लगे जी जी यही नबी अलैहि सलाम दा फरमान है। और यार गल गौर ना सुनिया जे, आप फरमाते ने ए रूम उन्हां दे हवाले कर दियो। सुभान अल्लाह, ये नहीं आख्या फतेह हो गया है तो असी हुण फतेह कर लिया हुण किवें वापस करिए, नहीं नहीं बल्कि फरमाते ने रूम दे दियो, रूमिया दे हवाले कर दियो, इन्हां दीयां सारियां शैवां हवाले कर दियो। लिहाजा फतेह कीता होया रूम दोबारा उन्हां दे हवाले कीता है। सैयदना ओ हज़रत मेरे मुआविया कौन कहंदे आ मेरे मुआविया जालिम, कौन कहंदे आ मेरे मुआविया नाउज़ बिल्ला जुल्म करदे रहे, हज़रत मेरे मुआविया नूं क्यों लानतान दशकार
सरदार बढ़ाते हो। आइए तवज्जो फरमाया जे मेरे मुआविया पैगंबर ले सलाम दे सहाबी ने आओ जरा बात तवज्जो दे नाल सुनया जे जामे ओ तिर्मिज़ी अंदर रवायत है हजरत अमीरे मुआविया रजी अल्लाह ताला नो हजरत अबू मरियम रजी अल्लाह ताला ना है ना हजरत मेरे मुआविया नु आके पता की फरमान लगे कह लगे अमीरे मुआविया जी नबी अलैहिस्सलाम दे कोलो मैं सुनया जेड़ा हुक्मरान अपने ते राया दे दरमियान इतनियां दुश्वारियां पा लवे कोई इन्ना तक पहुंच ना सके राया दे विचो बात समझ आ रही है ना। जेड़ा हुक्मरान अपने ते अवाम दे दरमियान परदे हायल कर लवे कोई उन्हां तक पहुंच नहीं सकदा ते अपनी फरियाद नहीं रख सकदा। हजरत अबू मरियम फरमांदे ने सुनो मेरे मुआविया जी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह इन्ना हुक्मराना दे ते अपने दरमियान परदे डाल लवेगा। अच्छा वाकई नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस है फरमाया जी हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बात नहीं फरमाई बल्कि फौरी एक बंदे की ड्यूटी लाई है फरमान लगे चल गलियां महल बल्कि एक रवायात के मुताबिक ड्यूटियां लाइया ने गलियां च लैदा महल्या च लैदा 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 लोगों दिया ड्यूटियां लाइया हुई ने किस कह जना मेरी राया परेशान होवे ते मेरे तक पैगाम पहुँचा दे आ जाए लिहाजा लम्हे लम्हे दी खबर अमीरे मुआविया सुनिया कर दे अवाम दी। ये थे अमीरे मुआविया रजी अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला नू सुनिए जो पैगाम देना चाहना वा हजरत अमीरे मुआविया दी सादगी ते जरा गौर करे आ जाए। हजरत अमीरे मुआविया जुमा पढ़ाण वास्ते दमिश्क दी मरकजी मस्जिद अंदर आए ते साथी वे के कहन लगे अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे कपड़िया नू असीं वेख्या जगह जगह ते जोड़ लगे हुए सी जगह जगह से पवेंद कारी हुई जोड़ लगे ऐज खुदा दी कसमे मेरे मुआविया सादगी हैदराबाद तवज्जो ना सुनया जे एक साथी कहन लगा मैं मेरे मुआविया दे नाल एक मजलस अंदर गया कहन लगे जो अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नो उस मजलस अंदर दाखिल होए ने अंदर दाखिल होए ते सारे उठ के खड़े हो गए एहतरामन अमीरे मुआविया फरमांदे ने सिट डाउन दा माना की होंदा माशाल्लाह इंग्लिश भी आंदी तुहानू अल्लाह बरकत दे फरमाए बैठ जाओ। अमीरे मुआविया रजी अल्लाह फरमांदे ने सुनो इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलो मैं सुनिया जेड़ा बंदा पसंद करे कि मैं आवां ते लोग खड़े होवन एहतराम नाल आ फरमांदे ने अपना ठिकाणा जहन्नम च बना लवे। इत्थे मैं एक ना इस मसले थोड़ी वजाहत कर दें वजाहत है मिसाल दे तौर ते कोई बजुर्ग आंदा है कोई बड़ा आदमी आंदा है कोई उस्ताद आंदा है बंदा उठ के मिलदा है इहदे विच बोलो को हरज उठ के मिलन च कोई गुनाह नहीं ते जेड़ा एहतरामन झुक के खड़ा होवे इहदे तो अल्लाह दे रसूल ने मना कीता जे इहदे तो अल्लाह दे रसूल ने सख्ती नाल मना फरमाया एहतरामन झुक के खड़ा होना। कोई उस्ताद आ गया बड़ा आ गया कोई अपना प्यारा आ गया कोई बाप आ गया कोई चाचा ताया आ गया बंदा उठ के मिलता है ये गुनाह कोई नहीं लिहाजा जेड़ा बंदा एहतरामन झुक के खड़ा होवे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अपना ठिकाना जहन्नम अंदर बना लवे। आइए जरा बात तवज्जो ना करिए तवज्जो दे नाल बात सुनिए जो मैं पैगाम देना चाह रहा वहां पर मैं वसाबिकून अल अव्वलून मिन अल मुहाजिरीन वल अनसार आओ
आओ जरा सुनिए मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी मोहब्बत कर दे रहा गौर दे नाल वाकया सुनिए। हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम दे एक मौके ते उमरे दे मौके ते नबी अलैहिस्सलाम दे बाल आप कट्टे सन बाल तो यकीन जानो वाल कट के सुट नहीं सी दिते बल्कि वाल उन्हें महफूज कर ले मुहब्बत अमीरे माविया दी मुहब्बत नबी अलैहिस्सलाम नल नबी अलैहिस्सलाम बाल कटवाए नबी अलैहिस्सलाम दे बाल महफूज कर ले नबी अलैहिस्सलाम अपने नाखून कट दे अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नो नाखून भी महफूज कर लेंदे एक डिबिया दे अंदर बाल नबी अलैहिस्सलाम दे नाखून नबी अलैहिस्सलाम दे महफूज किए हुए ने। हजरत अमीरे मुआविया का आखिरी वक्त चल रहा है अपने साथियों नू करवालियां नू कहन लगे ए डिबी जरा महफूज इन्हें महफूज कर लो अपने को रख लवो पर मान लगे जो मैं फोत हो जावा मैनू कबर अंदर दफना के कबर अंदर रख के ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੇ ਸੁਭਾਨ घर वाले कहन लगे पता नहीं कोई कितनी खास चीज है उन्होंने सी पता है जो डिब्बी खोली तो उदे विच नबी पाक दे बाल सी नबी अलैहिस्सलाम दे नाखून मुबारक सन। जरा गौर दे नाल बात सुनते जाना जो पैगाम देना चाह रहा वहां। हजरत अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नो यार मैं केड़ी केड़ी आप दी बात सुनावा ना अमीरे मुआविया नू बुरा किया कर ना अमीरे मुआविया दे बारे अपने दिल नू पलीत करिया कर। अल्लाह की कसम मेरे मुआविया नबी अलैहिस्सलाम दे अजीम सहाबी ने कहन लगे जो मैं फोत हो जावा कबर अंदर रख के मेरे मुंह ते रख दे आ जे बाल दे नाखून और मैं जो अल्लाह मैनू पूछेगा अमीरे मुआविया केड़ा अमल लैके आया है अल्लाह नू कहांगा या अल्लाह एदी वजह ना मैनू माफ कर दे अल्लाह एदी वजह ना माफ कर दे अल्लाह मेरे को इस तो इलावा है ही कोई नहीं। हजरत अमीरे मुआविया इतनी मुहब्बत करया कर दे नबी अलैहिस्सलाम दे कातबे वही बड़े ने बल्कि मैं सुबह कल एक रवायत पढ़ रहा सी हजरत जबरील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आए ने आगे फरमाते ने अमीरे मुआविया नु मुकर्रर कर दियो फरमाया वही लिखिया कर। जबरील अलैहिस्सलाम पैगाम अल्लाह वालों लैके आए ते नाम हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दा आके ले आए। फरमाया महबूब जी मेरे मुआविया नु मुकर्रर फरमा दो जेड़ी वही आसमान तो नाजल हुंदी है। फरमाया अमीरे मुआविया लिखिया करे चूंकि अमीरे मुआविया अमानदार ने अमीन ने क्यों गालियां देंदे हो जालमो अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आइए अल बदाया व नहाया अंदर भी ये बात मौजूद है फजाइले सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बर रहिमहुल्लाह दी ओदे अंदर भी बात मौजूद है इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया किताब वल हिसाब वकील अज़ाब। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे अल्लाह अमीरे मुआविया नो कुरान दा भी इलम दे दे मुआशियात दा भी इलम दे दे वकील अज़ाब अल्लाह अमीरे मुआविया नो जहन्नम तो बचा ले। सुभान कौन अमीरे मुआविया अगर ए गल गलत होवे चोर दी सजा मेरी सजा सही सनद दे नाल ए बात बयान कर रहा वा। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह अमीरे मुआविया नु कुरान दा भी इलम दे दे उधर जरा वेखी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने नबी अलैहिस्सलाम ने एक दुआ दिती अल्लाह हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास नु कुरान दा इलम दे दे अल्लाह जान दे अमीरे मुआविया नु तीन दुआ मिलन दया ने अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया तल किताब अल्लाह कुरान दा इलम भी दे दे वल हिसाब अल्लाह मुआशियात दा इलम हिसाब दा इलम भी दे दे वकील अजाब अल्लाह अजाब तो भी बचा ले मेरे मुआविया नो। बल्कि एक रवायत दे अल्फाज ने आ फरमांदे वा अदखिलहुल जन्ना अल्लाह अमीरे मुआविया नो अपनी जन्नत विच दाखिल फरमा ले।
यार मैं केड़ी केड़ी रवायत बयान करा, हजरत अमीरे मुआविया दे बारे दिल साफ कर लो। यार अमीरे मुआविया इतने अजीम सहाबी ने आखिरी बातां जरा तवज्जो दे नाल सुने आ जे। इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे तारीख कबीर अंदर बात मौजूद है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदि बिही। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरे अल्लाह हजरत अमीरे मुआविया नु हादी भी बना दे महदी भी बना दे। अल्लाह एदी वजह ना लोगों नू हदायत नसीब फरमा दे। कौन अमीरे मुआविया नू गालियां देंदा, कम से कम इस रवायत ते गौर कर लवे। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे अल्लाह अमीरे मुआविया नू हादी भी बना दे, हदायत याफ्ता बना दे। अल्लाह दी वजह ना लोगों नू हदायत मिले। अल्लाह अमीरे मुआविया नू हदायत दा सबब बना दे लोगों वास्ते। आइए जरी यकीन जानिए, सही बुखारी अंदर रवायत है, मैं कहना यार कोई हदीस भी ना मन, कम से कम इस हदीस नू ते मन ले। बुखारी अंदर है असहुल किताबिल्ला जेदे उते सारी मुसलमान अहले सुन्नत दा इतफाक जमाए। किस किताब दे फरमाया, कुरान पाक तो बाद सही तरीन किताब बुखारी शरीफ। एदे अंदर रवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अव्वलु जैश मिन उम्मती, आप फरमांदे यगजून मदीनत कैसर मगफूरुल्लाहुम। सही बुखारी अंदर है, रवायत मौजूद है, नबी कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा सब तो पहले समुंदर दे अंदर जिहाद करेगा, बोलो बोलो समुंदरी जिहाद करेगा। सही बुखारी अंदर रवायत, अव्वल जायश पहला ग्रोह, अल्लाह दे नबी ने पहला ग्रोह मुखातब किया, पहला ग्रोह, बाद में कई गए ने, पहला ग्रोह। यकीन जानिए बुखारी अंदर रवायत ना होवे, मैं मुजरम हजरत मेरे मुआविया नाल प्यार कर मुहब्बत कर। आप फरमांदे ने पहला ग्रोह जेड़ा समुंदर च जिहाद करेगा, आप फरमांदे ने मगफूरुल्लाह, आप फरमांदे मैं मुहम्मद सर अपनी जुबान तो ऐलान कर रहा वा, अल्लाह पाक उन्हें सारिया नू माफ कर देगा। वह बख्शे गए ने, अल्लाह ने बख्श दिते ने मगफूरुल्लाह, लोगो अल्लाह पाक ने उन्होंने लोगों को बख्श दिता जे। नबी अलैहिस्सलाम दे दौर अंदर नहीं, हजरत अबू बकर दे दौर अंदर, हजरत उमर का दौर भी गुजर गया है, हजरत उस्मान का दौर आया है। हजरत उस्मान दे दौर अंदर हजरत अमीरे मुआविया की क़यादत अंदर समुंदरी जिहाद होया है। अमीरे मुआविया की क़यादत अंदर सिपा सलार, बोलो कौन ने सारे यार, बोलो ठंड नहीं पई, इन्हां दे सिपा सलार कौन ने? अमीरे मुआविया ते मगफूरुल्लाहुम। अल्लाह फरमान, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे बख्शे गए, अल्लाह ने माफ कर छोड़िया है। बल्कि करवैद अल्फाज इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे, मैं सुता होया ख्वाब अंदर मैं वेखिया है, अंबिया दा ख्वाब भी अल्लाह दी वही होया कर दी जे। आ फरमांदे मैं ख्वाब अंदर वेखिया, आ फरमांदे मैं ख्वाब अंदर वेख्या, रब ने मैनू विखा दिता है जिन्ना समुंदरी जिहाद किया है। फरमाया जन्नत दे अंदर बादशाह दी तरह तख्तियां ते बैठे मैं आप वेखे। कदी गाल कड़न लगे हैं सोचिया कर, जे ओ जनाब उन्हां लोगों का यह मुकाम है, सिपा सलार का मुकाम की होएगा। हजरत अमीरे मुआविया जंती ने, बोलो अमीरे मुआविया, अमीरे मुआविया जंती ने, खुदा दी कसमे 20 साल, बोलो बोलो 20 साल हजरत अमीरे मुआविया ने निजाम चलाया है। इमामे जोहरी रहिमहुल्लाह फरमांदे ने, इमामे जोहरी बहुत बड़े मुहद्दिस ने, कह लगे अमीरे मुआविया ने 20 साल निजाम चलाया है। फरमान लगे एक एक कदम थे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दी पैरवी करते रहे, जिस तरह सैयदना उमर अपने निजाम चलाते रहे सन,
ऐसे तरह ही अमीरे माविया सैयदना हजरत अमीरे माविया सैयदना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दी नकल कर दिया होया खुदा दी कसमे 20 साल निजाम चला के बखाया। और अंग्रेज मुअर्रखीन ने भी लिखे है, मुसलमान दी बात नहीं कर रहा, अंग्रेज मुअर्रख लिख के गया है अमीर मुआविया ने जबरदस्त हुकूमत की है और निजाम चलान का हक भी अदा किया। कौन अमीर मुआविया? खुदा दी कसम सुनन नसाई की एक रवायत सुना के ना लोगों को गुमराह किया जाता है। पुत्र चला दे एक मिनट वास्ते, सुनन नसाई की रवायत आ मिर्जा जेलमी जड़ा ना मिर्जा जेलमी वह सुना, इस सुन लो कहना तरक सुनना मिन बुख्ज़ अलीयन कि अमीरे मुआविया और उनके साथियों ने सैयदना अली के बुगज में उन्होंने सुन्नत को छोड़ दिया था। ये सुनन नसाई दी रवायत जे ज़ईफ जे बोलो रवायत सही, सारे बोलो रवायत सही। ए रवायत ज़हन च रख लो, जेड़ा मेरे मुआविया का गुस्ताख तुहानू टकर जावे ना ये रवायत सुनावे उन्हों कह दियो रवायत सही नहीं। कहन लगा जी देखिए लोगों ने अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों ने सैयदना अली के बुगज में उन्होंने सुन्नत को छोड़ दिया था। एदा ना एक क्लिप यूट्यूब ते मौजूद है मिर्ज़े मोहम्मद अली दा इंजीनियर दा, एक यूट्यूब ते क्लिप है उच पता की कहिंदा जे आ आखिरी गल जे आ सुनने वाली जे सारी गल्लां दा निचोड़ जे आ लगा बयान कर। कहिंदा है जब से मुझे पता चला ना कि एक वितर, पहले एक वितर के बारे सुन लो, एक वितर नबी अलैहिस्सलाम तो साबित है, बोलो बोलो एक वितर सुनो तो साबित है, एक वितर और हजरत अमीरे मुआविया ने सारी जिंदगी एक वितर पढ़िया जी। कहन लगे कि वह मिर्जा मोहम्मदी जेल भी पता की कहन लगा, आंदा जब से मुझे ये पता चला है कि अमीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला नो एक वितर पढ़ते थे उस दिन से मैंने एक वितर पढ़ना छोड़ दिया। हुण सुन्नत नू छड्या बोलो किन्ने जिहड़े अमीरे मुआविया नाल बोझ रखण वाले उन्हें सुन्नत छड्डी है। खुदा दी कसम सैयदना अली भी साडे, बोलो बोलो सैयदना अली भी, अमीरे मुआविया भी साडे, अली मुआविया भाई भाई, अली मुआविया सारे जरा बोलो अली मुआविया भाई भाई हैं। अगर इनके दरमियान कुछ मामला बना भी है मगर अल्लाह तबारक वताला को मामला है, अल्लाह तबारक वताला माफ कर दिया उनको। खुदा की कसम है साडा ईमान कीदा है अल हजरत अली और अम्मा आयशा के दरमियान जड़ी जंग हुई है, अम्मा आयशा ने भी रब ने जन्नत भेज छड़े है, सैयदना अली ने भी रब ने जन्नत भेज छड़े है। और जेड़ा सैयदना अली और मुआविया रज़ी अल्लाह दरमियान जेड़े मामले बने ने अल्लाह ताला ने ये भी माफ़ कर दिते ने और अल्लाह पाक ने इन्हों इंशाला क्यामत आ देना जो असं जन्नत जावे ना असं आप वेखांगे इंशाला। इन्होंने हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह पता की फरमांदियां ने कि अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला दौर में अगर किसी मुसलमान के आपस इख्तलाफ होंदा सी ना ते मैं दुआ करती हूँ सर या अल्लाह मेरी ऐशा की जड़ी उम्र रह गई है ना या अल्लाह वह भी हजरत मेरे मुआविया नूं ला दे। ये रवायत जो झूठी होवे ना खुदा की कसम मैं मुजरम जे। अम्मा आयशा दुआ कर रही ने या अल्लाह मेरी उम्र भी मेरे मुआविया नूं लगा दे। मैनू दसो कि जालम दे वास्ते दुआ करता जे, बोलो जालम वास्ते कोई दुआ करता है? तेरे उम्मा हातुल मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा दुआ कर रही ने और साहब बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला नो जो अशरा मुबशरा विचों ने जिन्हों का नाम लैके नबी पाक ने फरमाया सी आ भी जन्नती जे आ भी जन्नत च आ भी जन्नत च आ भी जन्नत च वह दस साहबा दे विचों जिन्हों नबी सलाम ने आप नाम लैके फरमाया सी ए जन्नती ने लिहाजा उन्होंने साहब बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला नो फरमाते ने फरमाते सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला तो बाद कुरान व हदीस के मुताबिक हक नाल फैसला करने वाला मैं अमीरे मुआविया तो बढ़ के दुनिया च वेखे ही कोई नहीं। लिहाजा इस रजब के महीने अंदर अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला बड़ी तान होंदी है, बहुत है बहुत है बहुत है।
अस्तगफिरुल्लाह जिन्हें रवायतां बयान करते हो सारिया रवायतां झूठियां ने मनगढ़त ने। आओ अमीरे मुआविया के बारे तुहाड़े ज़हन च कोई ऐसी बात ना आए और अमीरे मुआविया की वफात ते कूंडे दवांदे हो कूंडे खांदे हो बोलो कूंडा किनू आंदे ने जो अं कहने ना फलाने घर गया जालम कूंडा ही कर आया उहदा हुण अल्लाह की मेहरबानी ना लोगों नू अल्लाह ने समझ दित्ती है हुण लोग इन्हां दे जाच नहीं फसदे लिहाजा मेरे भाई कूंडे लोगों के करने छड़ दिओ छड़ोगे ना इंशाअल्लाह यार जिहड़ा कम करना है किसी मुस्तनद आलमे दीन नू पुछिया करो यार ऐ कम करन लगा जे कम सही है या गलत है अगर सही होवे उन्हों कर लो गलत होवे उन्हों छड़ दिओ। अकूल कौली हाजा व आखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।